शब्द 37, हरी ठग ठगर थकल जग डोले, गौन करत मुथ मुख हुन बोले, बाला अपन के मीत हमारे, हम है तजी कहाँ चले उस सकारे, तुम है पुरुष मैं नारी तुम्हारी, तुम्हारी चाल पाहन होते भारी, माटी को देह पवन को शरीरा, हरी ठग ठग सो डरें कबीरा, हरी ठग ठगत सकल जग डोले, हरी ठग जीव तुच्छ है, किंचिज्ञ है, परछिन्न है, यह भगवान का अंश है, भगवान की कृपा से ये जीवित है, उसी कृपा से इसका भाव सागर पार होगा, यह कृतार्थ होगा, मुक्त होगा। इस प्रकार का उपदेश करने वाले जो गुरु लोग हैं वे मानो ठग हैं, लोगों के ज्ञान धन बुद्धि धन को ठगने वाले हैं। आध्यात्मिक जो कमाई है जीव की उसको छीन लेने वाले हैं। तो जीव से अलग एक हरि मानकर उसका उपदेश करने वाले और जीव को उसका मोहताज बनाने वाले जो गुरु लोग हैं, क्या कहते हैं, ये जीव के आत्मधन को ठगते हुए पूरे संसार में घूम रहे हैं। सर्वत्र अधिकतम धार्मिक मंचों से इसी बात का व्याख्यान प्रवचन हो रहा है और जीव को सर्व जगह लाचार बताकर दिनहीन बनाया जा रहा है। गौन करत मुझसे मुख गुण बोले, लेकिन ऐसे जो गुरु लोग हैं संसार में घूमते हैं विचरते हैं, तो उनको यदि कहीं विवेक विचारवान संत मिल जाते हैं तो वे उनसे बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जानते हैं किनसे बात करेंगे तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। उनसे तो वे भयभीत रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। सब समय ऐसा रहा है, आज है, आगे भी होगा, हर जगह ऐसा रहा है। कहीं भी विवेकवान उपदेशकों को, संतों को, धार्मिक वंचना करने वाले पुरोहित और गुरु लोग पसंद नहीं करते, उनकी निंदा करते हैं, उनसे दूर दूर रहते हैं। साहब को भी ऐसे लोग मिले होंगे, इसलिए साहब कहते हैं कि गौन करत मुझसे मुख न बोले। ये लोग संसार भर में घूम तो रहे हैं और लेकिन मुख से बोलते भी नहीं हैं। साहब केवल अपने लिए नहीं कहते, लेकिन अपने जैसे जो विचारक हैं उन सब के लिए कहते हैं। बालापन के मित हमारे, हमें तजी कहाँ चले सकारे। ये भावुक जीव जो किसी की कृपा चाह करता है और किसी की कृपा चाह कर अपना उत्थान चाहता है, जो सोचता है कि हमारा काम केवल भक्ति करना है, भगवान को जगा देना है, भगवान को खुश करना है, बाकी सब काम तो भगवान का है, हमें कुछ करना थोड़े है, तो ऐसे भावुक भक्त जो विनय वंदना करके किसी भगवान को जगा कर उसकी कृपा प्राप्त करना चाहता है, वे कहते हैं कि बालापन के मित हमारे, हे भगवान आप हमारे बालपन के मित्र हैं, अब जल्दी ही हमें छोड़ करके आप कहाँ चले गए। देखिए माँ के गर्भ में 9 महीने तक आपने हमारी रक्षा की, आपकी कृपा से हम वहाँ जीवित रहे, थोड़ी सी जगह में ही हमें सब कुछ मिलता रहा और आपकी कृपा से हम बाहर पैदा हुए, तो आप तो हमारे बालपन के मित्र हैं, पैदा होने के समय से आप हमारे मित्र हैं, आपकी कृपा से वहाँ जीवित रहे। अब हम जैसे पैदा हुए आप हमें छोड़कर भाग गए कहीं पर, पता नहीं कहाँ चले गए, मिलते ही नहीं हैं, हम बहुत खोज रहे हैं आपको, तो आप कहाँ छोड़ करके चले गए हमें। तुम ही पुरुष में नारी तुम्हारी, भगवान आप हमारे पति, आप हमारे मालिक हैं, हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके भक्त हैं, हम आपको पुकार रहे हैं,
आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं, ललायित हैं, कितने खोज रहे हैं और आप हम दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आपके दर्शन हो नहीं रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी चाल पाहन होते भारी, हम तो आपको पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं, लेकिन आपके चाल तो पत्थर से भी भारी हो गए, आप तो टसमस नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल पत्थर बन गए हैं, हम इतना रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप पत्थर बन गए, सुनते ही नहीं हैं। अब हमारा उत्थान कैसे होगा? इस प्रकार से भावुक भक्त गिड़गिड़ाता है, वंदना करता है, लेकिन कौन सुनने वाला है उसकी वंदना? गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते अंत समय आ जाता है, इसलिए आप कहते हैं माटी को दे पवन को शरीरा, हरी ठग सो डरें कबीरा, मिट्टी को दे, मिट्टी पानी आग हवा से बनी हुई यह देह स्थूल शरीर, पवन को शरीरा तात्पर्य सूक्ष्म शरीर, तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बंधन से बंधे हुए ये जीव निरंतर भयभीत रहता है कि हमें अब तक भगवान मिले नहीं रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा, कैसे हमारा उत्थान होगा। इस प्रकार से ये सदैव गिड़गिड़ाते हैं, भयभीत रहते हैं और इसी भय में जीवन बीत जाता है, कहीं तृप्त आनंद संतोष मिल नहीं पाता। ये जीव गिड़गिड़ाने को ही भक्ति मान लेता है, जबकि भक्ति का अर्थ अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, विवेक करना है, और इस प्रकार से इसे गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते कभी इसे तृप्ति मिलेगी ही नहीं। दूसरे के बल पर दूसरा कौन कब तक जीवित रहेगा? अंत में तो उसे अपने कदमों पर खड़ा होना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन भाव भक्त ऐसा नहीं चाहते, इसलिए वे उनका जीवन भय पीड़ा व्याकुलता और अतृप्ति में ही समाप्त हो जाता है। साहब कहते हैं यह केवल भटकाव है, अरे भटकाव स्वरूप विवेक से ही मिट सकता है।